हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और आज का वीडियो बेस्ड है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन पर बेस्ड। कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन जल्दी हमें याद नहीं होते हैं, तो इसी के लिए एक ट्रिक बनाया है कि आपको झट से कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन याद हो सके। तो आज का अपना वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो अगर मैं कलर की बात करूं तो सबसे पहले कलर का कॉज क्या है, कलर किस वजह से आता है। तो अगर मैं बात करूं कंपाउंड में कलर आने के लिए, तो कंपाउंड में कलर आता है जैसे AgCl, AgBr, AgI, कलर आने का कॉज इनमें पोलराइजेशन है। तो कलर पोलराइजेशन की वजह से आ सकता है, लाइक AgCl, AgBr, AgI। AgCl का व्हाइट पीपीटी होता है, AgBr का लाइट येलो एंड AgI का डार्क येलो। कलर आने का दूसरा रीजन हो सकता है चार्ज ट्रांसफर मेटल टू मेटल या चार्ज ट्रांसफर लाइगेंड टू मेटल। जैसे KMnO4, तो पर मैग्नेट आयन MnO4 माइनस का कलर पर्पल या पिंक होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लाइगेंड टू मेटल। जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उनमें कलर आने का रीजन है DD ट्रांजिशन। तो ये सभी रीजन हो सकते हैं कलर फॉर्मेशन के। बट आज का टॉपिक हमारा ट्रांजिशन मेटल आयन के कलर को लेकर है, हाउ टू लर्न कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन। तो चलिए देखते हैं इन्हें, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन। तो ट्रांजिशन मेटल आयन के कलर के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, और सबसे पहले किन आयनों का कलर क्या होता है पहले आप वो जान लीजिए। तो जैसे Mn2+ और कोबाल्ट CO2+, Mn2+ एंड CO2+, इनका कलर होता है पिंक। ठीक इसी तरह से Ni2+, और ये कलर हम किनकी बात कर रहे हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन में कलर क्या होता है हम उनकी बात कर रहे हैं। तो Ni2+, Fe2+, V, Vanadium 3+, इन सभी का कलर ग्रीन होता है। फेरिक आयन Fe3+, इसका कलर येलो होता है। और याद रहे, अगर FeCl3 होगा तो उसमें येलो होगा, लेकिन और कोई फेरिक कंपाउंड होगा, Fe3+ अदर कोई कंपाउंड होगा, तो वहां पर यह ब्राउन होता है। ओके और लास्ट Cu2+, CO3+, V4+ और Cr2+, इनका कलर ब्लू होता है। लेकिन अगर मैं आपको इस तरह से सिखाऊंगा तो आप भूल जाएंगे जल्द ही, तो इसीलिए इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बना रखा है। तो चलते हैं अब उसकी तरफ, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो शॉर्टकट क्या है, चलिए आइए देखते हैं। शॉर्टकट है, एक लड़का है निखिल, उसको समझाया जा रहा है, मन को गुलाबी रखना, फिजाएं भी हरी भरी रहेंगी। तो निखिल को समझाया जा रहा है, मन को गुलाबी रखना निखिल, फिजाएं भी हरी भरी रहेंगी, फिक्रों में डूबोगे तो पीले पड़ जाओगे, और कुछ को भी करा परेशान तो नीले पड़ जाओगे। तो अब ये जो शायरी है, ये जो लर्निंग ट्रिक है, इसमें जो हम लोगों ने अभी सीखा उसको कैसे अप्लाई करना है, देखिए। तो देखिए यहां पर मन का मतलब क्या है, Mn2+, को का मतलब क्या हो गया, CO2+, और गुलाबी तो आप जानते ही हैं पिंक। तो मन को गुलाबी रखना Mn2+, CO2+, पिंक। निखिल Ni2+ से मतलब है, फिजाएं Fe2+, V3+, और हरी भरी का मतलब ग्रीन, तो ग्रीन कलर याद रखिएगा। तो Ni2+, Fe2+ और V3+, ये ग्रीन कलर। फिक्रों में डूबोगे, फेरिक, फिक्रों से याद रहना चाहिए फेरिक, और पीले पड़ जाओगे तो येलो, फेरिक का येलो, ये याद रहे। फेरिक क्लोराइड में फेरिक का येलो, बाकी सभी में लाइट ब्राउन, ठीक है। और लास्ट वाला, इसको यहां पे नोट कर लेते हैं, कुछ
Cu2+ को CO2+ वहां था तो यहां 3+, V यहां पर भी V है तो ये V 4+ है, करा परेशान Cr2+, तो नीले पड़ जाओगे यानी कि ब्लू, तो इन सभी के लिए ब्लू हो जाएगा। तो कुछ को वी करा परेशान तो नीले पड़ जाओगे, तो मन को गुलाबी रखना, Mn2+ CO2+ पिंक, Ni2+ Fe2+ V3+ ग्रीन, फिजाएं भी हरी भरी रहेंगी। फिक्रों में डूबोगे तो पीले पड़ जाओगे, फेरिक आयन येलो, और कुछ कुछ का मतलब Cu2+ से, को का मतलब CO3+ से, और V का मतलब यहां भी नहीं बल्कि V लीजिएगा तो V4+, एंड करा का मतलब Cr2+। इनका कलर क्या होता है? ब्लू। तो ये था इस वीडियो में ट्रिक, उम्मीद है कि इन सभी से आपने 10 आयन के कलर्स चुटकियों में सीख लिए होंगे। ओके, थैंक यू।